सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अपने अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और एक मिस्टेक हो गई, गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी गुड आफ्टरनून हो चुका है। तो अभी हम दोपहर के लगभग 12 12:30 बज रहे हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि आज हम लोग जा कहाँ रहे हैं, वैसे थंबनेल में तो पता चल ही जाएगा कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली आज है हमारे भैया का बर्थडे, आयुष भैया का बर्थडे आज। तो भैया छोटा सा ट्रीट दे रहे हैं, एक रेस्टोरेंट है और पूल वगैरह है, तो वहाँ पे एक छोटा सा ट्रीट दे रहे हैं, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो अभी कुछ भैया लोग पीछे हैं और कुछ आगे भी हैं, वैसे तो ज़्यादा लोग जा नहीं रहे, कुछ ही कम ही लोग हैं, लेकिन हम तो बीच में चल रहे हैं। और हुआ यूँ कि अभी हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन अभी कोई हमको मिला नहीं है। हमको ये नहीं पता कि कौन आगे है भाई, कि कौन पीछे है, किसी को नहीं पता। अब हम बस जा रहे हैं, अब देखो कहाँ पे मिलते हैं उन लोग। अब जहाँ पे मिल जाएंगे वहीं पे साथ में हो जाएंगे और फिर जाएंगे एंट्री करेंगे। अब वैसे मुझे जगह तो पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, भैया को पता है, भैया बैठे हैं पीछे, वो बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ कैसे करना है। और गाइस बता दूँ आपको कि कल रात तक, लेट नाइट तक पार्टी हुई, तो फिर अभी नींद भी पूरी नहीं हुई, इसलिए हम लोग का प्लान था, बेसिकली हम लोग का प्लान था कि हम 9 से पहले चले जाएँ वहाँ, ठीक है। फिर हम 9 बजे कॉल किए उनको, तो वो उनने बोला कि 9 बजे नहीं, आप 12 बजे तक आओ, ठीक है। 12 भी नहीं बोले थे, 10 10:30 11 तक बोल दिए थे, और हमारी नींद ही 11 बजे खुली है। मतलब 8 बजे उठे थे, 8 बजे उठने के बाद जब सब सोए हैं, तो फिर उसके बाद 12 बजे सबकी नींद खुली है। तो अभी लगभग 12 12:30 बज रहे होंगे, मेरे को तो एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ घड़ी, मैं तो बस बोले जा रहा हूँ। तो अभी एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता टाइम क्या हो रहा, बस जा रहे हैं। उसके बाद कितना हो रहा, हाँ तो भाई बता देता हूँ, 1 बजने वाले हैं, भैया बता दिए पीछे से। और गाइस मैं बता दूं कि अभी हम बस अकेले जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं है साथ में, कोई भी नहीं है। मतलब भैया लोग जो आ रहे थे पीछे वो नहीं है। अब यहीं से थोड़ी दूर अंदर है, पास में ही है वो, हम मेन रोड से अपन अंदर घुस चुके हैं। अब यहाँ से पता नहीं, ये PCB यही है, यही है, यही है। तो अब इसी के अंदर जा रहे हैं, वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बढ़िया पूल किधर है भाई, पूल दिखाओ मुझे, बस मुझे डुबकियाँ मारनी है उसमें, पूल दिखाओ। सो गाइस अभी हम लोग कुछ आ चुके हैं कुछ ऐसी जगह में, पूल है पीछे देख सकते हो आप लोग, और अब बस थोड़ी देर से डुबकी मारने वाले हैं इसमें। अब भैया लोग रेडी हो रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, तो फिर चलते हैं। और वैसे तो यहाँ अलाउड नहीं है नहाते वक्त का वीडियो बनाना, वो मैंने परमिशन लेके वीडियो बना लिया, लेकिन नहाते वक्त का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो अभी शायद नहीं दिखा पाऊँ। देखो कोशिश करता हूँ, जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखाऊँगा, और फिर चलो या फिर नहाने के बाद मिलते हैं, चलो बाय। तो भाई लोग मेरी आँख तो देख ही सकते हो किस तरह हो रखी है आँख, ये और कुछ नहीं, पानी में क्लोरीन ज़्यादा था उसके वजह से, मतलब पानी के अंदर मैं आँख खोल दिया था उसके वजह से हो रहा है पूरा। और पूल का एंजॉय करने के बाद ये यहाँ पे ये एक रेस्ट करते हुए, ये एक मतलब कोई काम नहीं है इनको, कुछ कुछ भी काम नहीं है। और आज का जो पार्टी था वो इनके तरफ से था, पूल पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे का पार्टी बोल सकते हो। ये इधर दिए थे इसमें, अंदर रेस्टोरेंट में खाना भी खाया हमने अभी, लेकिन आने से पहले वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। और अब बस रेस्ट करके 2 मिनट भैया लोग आ जाएं, उधर साइड कपड़े वगैरह रख रहे हैं, आ जाएं उसके बाद चलते हैं फिर घर अपने। तो भाई लोग मेरा आँख हो रखा है लाल, आपने पिछले उसमें देख लिया, ये देखो। तो अभी मैं चश्मा लगा लिया, थोड़ा ठीक दिखे, ठीक वैसे भी नहीं दिखता, सकाली अच्छा नहीं है बेसी, है ना। तो अभी बस चलते हैं, चश्मा उश्मा लगा लिया, भैया का सुमित भैया का चश्मा है, धन्यवाद सुमित भैया जो चश्मा मिल गया हमको, और चलते हैं अब, चलो। तो गाइस अभी सीन ऐसा हो गया कि आँख खुल भी नहीं रहा पूरा, मैं कैमरा पकड़ा हूँ, गाड़ी गाड़ी मैं नहीं चला रहा, गाड़ी भैया चला रहे हैं, गाड़ी मैं नहीं चला पा रहा, मेरा आँख ही नहीं खुल रहा, चश्मा लगाने के बाद भी मैं आँख खोल नहीं पा रहा हूँ। क्या है कि पानी में जो था वो क्लोरीन बहुत ज़्यादा था, और क्लोरीन ज़्यादा होने की वजह से आँख क्या है कि पूरा मतलब लाल हो गया, और उसके अंदर शायद पानी चला गया आँख के अंदर, तो उसकी वजह से आँख खुली नहीं रहा बिल्कुल भी। और बस अब यही बोलूँगा यार कि जो भी पूल जाते हो थोड़ी देख लिया करो, वहाँ ज़्यादा अगर क्लोरीन है, मतलब ज़्यादा क्लोरीन हो तो वहाँ स्विमिंग मत करो बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। और लास्ट में एक क्लिप डालने वाला हूँ लास्ट नाइट बर्थडे सेलिब्रेशन का, वो भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और खूब सारा प्यार।